कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने आज कारवान पहुंचकर सुरिंदर गौड़ के अफराद खानदान से मुलाकात की और 50,000 रुपए की इमदाद भी पेश की। आरटीसी मुलाजिम सुरिंदर गौड़ ने हुकूमत की सर्दमहरी पर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी। इस मौके पर कांग्रेसी कायद ने वजीर आला के सी आर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आरटीसी के डिमांड्स पे आरटीसी के वर्कर स्ट्राइक पे गए थे, उनके नौकरी का मामला था और तनख्वाह नहीं दे रहे थे, बसेस कम थे और रिटायर्ड एस वाले ड्राइवरों का भी भर्ती नहीं कर रहे थे, उनका डिमांड्स थे, वो डिमांड के वास्ते स्ट्राइक करे। मगर केसीआर एक चीफ मिनिस्टर के जैसे नहीं बात करा, एक राजा के जैसे है, ज्यादा तुम स्ट्राइक करे तो आप लोगों को मैं डिसमिस करता हूँ, अगर यूनियन लगाए तो यूनियन को लोगों को भी बाहर कर दूँ बोला। जब डिसमिस की बात आई, ये हमारे सुरेंद्र गौड़ एक ड्राइवर था पापी चारा, उसको एक बेटा एक बेटी थी। जब नौकरी की मामला आई, अरे मैं मेरे को डिसमिस करे तो मेरे बच्चों की हालत क्या होता बोल के, पाप बेचारा उसकी बीवी टेलरिंग काम करती थी, वो घर में आया फैन को कपड़े डाल के अपना जान की कुर्बानी दिया। ऐसे मामलों में सरकार जिद नहीं पकड़ना, आज भी कोर्ट डायरेक्शन दिया यूनियन लीडरों से बात करो, इसको सुलझाओ, इसके वजह से आवाम भी परेशान है, बस नहीं है, स्कूल को बच्चे नहीं जा रहे, और उसके बावजूद भी सरकार अभी तक कोई तवज्जो नहीं दे रहे, अभी तक बुला के नहीं बात कर रहे। दूसरी तरफ हमारे